हेलो दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग है मलाना विलेज पे। कसोल से लेकर मलाना तक इस वीडियो में सारा कुछ काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग जा रहे हैं कैंप से कसोल मार्केट। कसोल मार्केट में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे मलाना विलेज। आज का हमारा जो ट्रैकिंग होगा वो मलाना विलेज का होगा और कल देखते हैं क्या करते हैं आगे का। कल में भी टोस जाए या खीर गंगा, जो भी प्लान कर लेंगे। हमारा कैंप कसोल मार्केट से 1 किलोमीटर दूर छलाल विलेज के रास्ते पे था, तो अभी हम जा रहे हैं वॉक करके मार्केट की ओर। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके उसका लिंक दे रखा मैंने, आप ज़रूर देखें। ये है फेमस छलाल ब्रिज, इसको हम कसोल ब्रिज भी कहते हैं। और इतफाक देखिए, यहाँ पर कोई भी नहीं था। जनरली यहाँ पर भीड़ लगी होती है लोगों की फ़ोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हम लोग काफ़ी लकी थे कि हम सुबह सुबह यहाँ पे आए और यहाँ पे कोई भी नहीं मिला हमें। ब्रेकफास्ट हमने कसोल मार्केट के हरिओम ढाबा में किया था, वहाँ का पराठा आप ज़रूर ट्राई करें। भैया, हम लोग का पराठा आ गया गर्मा गर्म और इसके साथ में 2 चटनी है, ये एक है मिर्ची की ना और एक है पुदीने की, जैसे बताया था। और ये मैंने कसोल में ही इस टाइप की चटनी देखी और कहीं नहीं देखी, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। क्यों भाई लोगों, कैसा लग रहा खाना? अच्छा ना, मज़ा आ रहा खा के? चलो, इंतज़ार का फल अच्छा हुआ और अच्छे अच्छे खाने खाने को मिले। पराठे का कितना बड़ा साइज है, अब आप इससे कैलाश से कंपेयर कर सकते हो? कैलाश के पेट से बड़ा पराठा है तो एक ही पराठे में पेट भर जाएगा आपका। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मलाना विलेज के लिए। हमने कसोल मार्केट से टैक्सी बुक की मलाना के लिए, जिसका फेयर 2000 रुपीज़ था। कसोल में ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपको कहीं भी जाना हो आपको टैक्सी अवेलेबल रहती है, वो भी फिक्स रेट पे। मार्केट में ही टैक्सी मैन का ऑफिस है, आप वहाँ बुक कर सकते हो। मलाना जाते हुए हमको रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर दिखा, जो कि एक जरी का एक प्राचीन शिव मंदिर है, तो हम वहाँ पर रुक गए दर्शन करने के लिए। चलिए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। आप गेट देखिए, कितना खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जारी का, ये वाकई में काफी खूबसूरत है। मलाना विलेज के रास्ते में आपको मल्टीपल वाटरफॉल्स, टनल, आयरन ब्रिज और बैराज देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखो भाई, कितना खतरनाक रास्ता है। ये हम जा रहे हैं मलाना विलेज और यहाँ का रास्ता आप देखिए, ये टनल है क्या भैया? वाह, टनल आने वाली है। अच्छे टाइम पे मैंने मोबाइल ऑन कर लिया है। आगे वाटरफॉल भी है। ओ, हमारे भैया जी बता रहे हैं कि आगे वाटरफॉल भी है, तो भी देखते हैं कैसा नज़ारा आता है। भैया जी, बड़े भैया जी? अब छोटे भैया, बड़े भैया जैसे मान लो, लग तो उम्र में छोटे ही रहे हैं। ये आ गया मनाला का टनल, ये बता रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं, वरना आप समझते नहीं। अरे लोगों को लगेगा गुफा है फिर देखो बीच में कितना बड़ा विंडो बना रखा है टनल के अंदर। तो ये टनल के हम आ गए दूसरे छोर पे, और वाह, टनल से निकलते देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल है। आपको जगह जगह ऐसे वाटरफॉल मिलेंगे मलाना के रास्ते पे, और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा भी है। अभी पानी सूखा है ना, इसके अंदर डाला जाए। थोड़ा सा
ये देखिए आप ऊपर देख रहे हो गांव, यहीं तक हमको जाना है ट्रैक करके, इसी के लिए हम आज कितना 20 किलोमीटर आए कितनी आए होंगे 22 किलोमीटर हम आए हैं कसोल से इस गांव को देखने के लिए। कुछ तो अलग बात होगी इसमें, तभी लोग इतना दूर खींचे चले आते हैं। फाइनली एक घंटा की ड्राइव के बाद हम मनाना ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं और यहां पे कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए शॉप भी बनी हुई है। चलिए अब हम ट्रैकिंग शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा मनाना ब्रिज का ट्रैक है और यहां का नज़ारा कैसा है। कैसा रहा भैया आपका एक्सपीरियंस मनाला का? अच्छा था, वेरी गुड एक्सपीरियंस। वीडियो बना ले आपका? हाँ। तो कितना दूर है? 1 किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? 9000। आप तो पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। उतरते उतरते I came non-stop। वेरी गुड। तो मतलब अच्छा है, मजा आएगा जाके? हाँ, it's a very good climb। मौसम काफी ठंडक है ऊपर। अच्छा। And you will actually enjoy। Thank you भैया। चलो, take care। ट्रैक के स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रेस बनी हुई है और आपको डाउन ट्रैक करना होता है। फिर आता है एक रिवर जिस पर ब्रिज बना हुआ आयरन का, उसको क्रॉस करने के बाद आपको फिर अप ट्रैक स्टार्ट होता है। आप चाहो तो कुछ देर रिवर साइड बैठ के भी रिलैक्स कर सकते हो। देखिए एक वाटर फ्लो आ गया है, आई थिंक कोई रिवर है जो मनाला जाते हुए रास्ते में पड़ रही है। और यहाँ पे काफ़ी सकून सा लग रहा है क्योंकि काफ़ी ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है हम लोग को। थोड़ा यहाँ पे स्लिपरी एरिया है क्योंकि पानी आ रहा झरने से, तो कीचड़ तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, ये देखिए मतलब अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। दिखाते हैं आपको आगे चल के, एक छोटा सा कैफे यहाँ पे भी है। पूरे ट्रैक पे आपको ऐसे बहुत सारे कैफे शॉप मिल जाता है खाने पीने के लिए, ये अच्छी बात है। यहाँ कुछ लोग बैठ कर टी इन्जॉय कर रहे हैं। ये शॉप वाले कैंपिंग पॉइंट भी करते हैं, आप चाहो तो रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हो। यहाँ देखिए ब्रिज पे बहुत सारे डॉग्स बैठे हुए हैं। खैर, पहाड़ी डॉग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकल सकते हो। और यहाँ देखिए रिवर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत सा है। आप चाहो तो नीचे जाके रिवर साइड रिलैक्स कर सकते हो, वहाँ पर बैठ कर इन्जॉय कर सकते हो, अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर सकते हो। खैर, चलते हैं आगे हम। ये देखिए ऐसे घोड़े के थ्रू सामान पहुँचाते हैं गांव के अंदर। काफ़ी टफ होती है हिल्स की लाइफ, हम लोग तो एक दो दिन के लिए आते हैं तो हमें काफ़ी मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है ट्रैकिंग करने में। लेकिन हाँ, जो डेली आ रहते हैं उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है, घोड़ों से सामान पहुँचाना। ये हमारे कैलाश भाई और रेड टीशर्ट में सौरभ भाई जा रहे हैं आगे। चलिए आपको दिखाते हैं आगे मनाला ब्रिज कैसा है। ट्रैक तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी खूबसूरत सा है, आप काफ़ी इन्जॉय करोगे यहाँ पे आके, तो आप ज़रूर आएँ मनाला ब्रिज से ट्रैकिंग करने के लिए। कैसा लग रहा सौरभ? कैलाश, हालत पतली हो गई? अभी हम हाफ भी नहीं आए हैं और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई यहाँ की हालत पतली हो रखी है। अभी कम से कम 30 मिनट और लगेगा टॉप पे पहुँचने में। मेरी आवाज़ से आप लोग को लग ही रहा होगा कि सांसें कितनी ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन हाँ, नज़ारा बहुत सुकून वाला है। आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। रिवर साइड कैफे के बाद दूसरा कैफे मिडवे में पड़ता है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठ कर रिलैक्स कर रहे हैं। देखिए हम लोग देखिए कितना आगे आ गए हैं, आपको रोड दिखाते हैं। ये देखिए आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी। अब देखिए हम लोग कितना आगे आ चुके हैं यहाँ से, और बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे देखो केवल गाँव देखने लायक नहीं है, यहाँ के जो फूल पौधे पेड़ पौधे लगे ना जगह जगह पे, वो भी बहुत अच्छे से है। देखो यहाँ अलग अलग कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये देखना ये पर्पल कलर का फ्लावर रियल में बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो में थोड़ा कम सही आ रहा है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए
ये बहुत यूनिक सा लगा। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है काफ़ी रेड सा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, और पत्ते इसके ग्रीन हैं। इस टाइप के यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। आपको जो पर्पल वाला फ्लावर था थोड़ा मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए अब दिख रहा होगा आपको कितना खूबसूरत है ये। मलाना ट्रैक पे आपको बहुत ज़्यादा पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए रास्ते में एक झरना पड़ा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से पानी फिल कर सकते हो। हिमालय का पानी वैसे भी काफ़ी क्लीन होता है, काफ़ी अच्छा होता है। फाइनली हम मनाला के हिस्टोरिकल विलेज में पहुँच गए हैं। ये इस एरिया का ओल्डेस्ट हैबिटेट विलेज है, बहुत ही पुराना है, और यहाँ के जो घर बने हुए हैं वो पूरा हिमाचल स्टाइल में बने हुए हैं। सांस फूल रही है और ठीक से आवाज़ भी निकल रहा है। चलिए कोई नहीं, मेन मकसद है हमको आपको मनाना गांव दिखाना। ये यहाँ का पहला मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इस गांव से किसी भी बाहरी इंसान को इस मंदिर को टच करना मना है, बट हाँ हमने परमिशन ली है और वीडियो बनाना अलाउड है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बेसिकली हम मंदिर का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हाँ किसी पर्सन का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और देखिए यहाँ पे ये जानवरों की खोपड़ी और ये सब सिंह ये सब रखे हुए हैं। इसका डोर देखिए कितना खूबसूरत है, ये बहुत ही एनिशेंट बहुत ही पुराना मंदिर लग रहा है, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। ये एक और मंदिर यहाँ का है, ये भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप देख सकते हो यहाँ का सराउंडिंग कितना अच्छा है। हर जगह सिमलस ही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर देखिए। ये बिल्डिंग देखिए मंदिर का कितना खूबसूरत सा है, और देखिए यहाँ के घर हैं। ये है वुडन स्टाइल में घर, यहाँ का पारंपरिक तरीका है। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत है नज़ारा यहाँ का, ये देखिए ये ऐसे अपने आप नीचे जा रहा है और इसी से सामान ऊपर नीचे आता है। देखा टेक्निक यहाँ की हिमाचल की कितनी टफ लाइफ है यहाँ पे लोगों की यार। ये मलाना का प्राइमरी स्कूल है जो गांव के एंड पॉइंट से थोड़ा पहले पड़ता है। फाइनली हम मनाला गांव के बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गए हैं, और देखिए ये पहाड़ का बिल्कुल एज है, यहाँ पे आगे जाते हुए डर लग रहा है। ये देखो और यहाँ से देखो ये जो डैम बना हुआ है उसका व्यू दिखता है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा नज़ारा। और ये देखिए यहाँ पे एक नीचे कैफ़े है प्यारा सा, और यहाँ पे सब कैफे बने हुए हैं गांव के एंड पॉइंट पे, या तो गांव के स्टार्टिंग पे कैफे और स्टे की व्यवस्था है, गांव के एंड में। गांव के मिडिल में किसी भी बाहरी इंसान को ना तो कोई मंदिर कोई घर छूने की इजाज़त है, ना किसी लोकल लोगों की फ़ोटोग्राफी की इजाज़त है। बहुत से लोग मनाला विलेज घूम के रिटर्न हो जाते हैं और यहाँ एंड पॉइंट तक आते नहीं हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप एंड पॉइंट ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा दिखता है बहुत ही खूबसूरत है। आप जो मनाला बैराज है उस वो भी यहाँ से देख सकते हो, आप दिख रहा होगा वाटर बॉडी यहाँ पर दिख रही होगी, वो है मनाला बैराज। आपको जूम करके दिखाते हैं एक बार, हम जब हम रास्ते में आए थे ना एक बैराज पड़ा था वही है। ये घोड़े हमको जाते टाइम भी मिले थे और लौटते टाइम भी मिले हैं। कोई इंसिडेंट देखो। फाइनली हम लोगों ने सक्सेसफुली मनाला का ट्रैक कर लिया है और हम रिटर्न हो गए। ये देखिए मनाला गेट दिख रहा है और फाइनली आ गए, काफ़ी मज़ेदार था। वो थोड़ा साथ से चढ़ रही है। कैलाश भाई नाम आपका है, कैलाश अब मनाला चढ़ने में आपकी हालत ख़राब हो गई। हमको तो लगा था कि हमको लगा था एवरेस्ट ही फतेह कर देंगे ये। अच्छा अच्छा वापस आना ही सही है।
चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर आना जाना, हम लोग किसी तरह कर लिए। अच्छा था वहाँ पे, मतलब यूनिक था वैसे। जाते टाइम जो ग्रीन वाला ब्रिज पड़ा था उसके जस्ट बगल में एक वाटरफॉल भी था, हम उस समय रुके नहीं थे, तो रिटर्न में हम वहाँ पर रुक गए और 10-15 मिनट बैठ के वहाँ पर इन्जॉय किया, फोटोग्राफी की। तो आप भी चाहो तो वहाँ पर बैठ के इन्जॉय कर सकते हो, रुक सकते हो, अच्छी जगह लगी मुझे ये। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और स्क्रीन पे आपको कसोल ब्लॉग का वीडियो दिख रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। थैंक यू।